हमारे YouTube चैनल फिल्मो टीविया पर आपका स्वागत है। वो पुरानी यादें। इस एपिसोड में हम देखेंगे टेलीविजन शो ये है मोहब्बतें के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये है मोहब्बतें एक रोमांटिक ड्रामा शो था जो कि स्टार प्लस पर 3 दिसंबर 2013 को शुरू हुआ था और इसका आखिरी एपिसोड 18 दिसंबर 2019 को टेलीकास्ट हुआ था। इस शो के 1895 एपिसोड्स बने थे और हर एपिसोड 21 से 22 मिनट का होता था, जिसे कि रंजन कुमार सिंह ने डायरेक्ट किया था और एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया था। ये शो स्टार प्लस के सबसे लंबे चलने वाले शोज में से एक था। ये शो मंजू कपूर के फेमस नॉवल कस्टडी से प्रेरित है। इस शो को 2015 में फिक्शन कैटेगरी में बेस्ट शो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इस शो के ऑफ एयर होते ही इसके सीक्वल ये है चाहते ने इसकी जगह ले ली। इस शो की कहानी डॉक्टर इशिता अय्यर और रमन भल्ला की लाइफ पर बेस्ड है। रमन भल्ला की पहली पत्नी शगुन से अच्छे रिश्ते ना होने के कारण उनका डाइवोर्स हो जाता है और उनके दोनों बच्चे आदित्य और रूही पर इसका बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। डाइवोर्स के बाद आदित्य की कस्टडी शगुन को मिल जाती है और वो हमेशा आदित्य को रमन के खिलाफ भड़काती रहती है। रमन के बिजनेस राइवल अशोक खन्ना से शादी करने के बाद शगुन अपनी बेटी रूही की कस्टडी भी हथियाना चाहती थी। उदास रूही की लाइफ में हैप्पीनेस बनकर एंट्री लेती है डॉक्टर इशिता। डॉक्टर इशिता कभी माँ नहीं बन सकती थी और रूही की माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी, तो इसी कारण दोनों में एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता है। रमन और इशिता का अपोजिट नेचर और डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद भी रूही के प्यार की खातिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शगुन रमन को बर्बाद करने के लिए अपने पति के साथ मिलकर खूब चालें चलती है, लेकिन इशिता हमेशा रमन की ढाल बनकर खड़ी रहती है और दोनों में एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। रमन और इशिता की उतार चढ़ाव और मुश्किलों से भरी लाइफ पर बेस्ड थी इस शो की कहानी। अब बात करते हैं इस शो की मेन कास्ट की। डॉक्टर इशिता अय्यर के रोल में थी दिव्यांका त्रिपाठी। रमन भल्ला के रोल में थे करण पटेल। रमन के रोल को रिप्लेस किया था चैतन्य चौधरी ने। शगुन के रोल में थी अनीता हसन नंदानी। रूही के रोल में थी रूहानिका धवन। बड़ी रूही के रोल में थी अदिति भाटिया। आदित्य के रोल में थे गौतम अहूजा। बड़े आदित्य के रोल में थे अभिषेक वर्मा। रमन की माँ संतोष कौर के रोल में थी शहनाज रिजवान। रमन के पिता ओम प्रकाश भल्ला के रोल में थे कौशल कपूर। रमन के भाई रोमी के रोल में थे अली गौनी। रमन की बहन सिमी के रोल में थी शिरीन मिर्जा। इशिता की माँ माधवी के रोल में थी नीना कुलकर्णी। इशिता के पिता विश्वनाथन अय्यर के रोल में थे अभय भार्गव। स्टार प्लस पर इतने सालों तक धूम मचाने के बाद इस शो की टीआरपी गिरने लगी थी और व्यूअर्स का इंटरेस्ट भी कम होने लगा था, जिसके चलते एकता कपूर ने इस शो को बंद कर दिया। ये शो स्टार के हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप जब चाहे हॉटस्टार ऐप पर जाकर इस शो को देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वो पुरानी यादें सीरीज का ये एपिसोड, और आप अगले एपिसोड में कौन से शो की यादें ताजा करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिल्म्स और टीवी की दुनिया से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्म और टीविया को सब्सक्राइब जरूर करें।